आप सबको डॉक्टर रजनी रमण झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय सुदर्शन महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में यदि आपको याद है तो हम तर्क संग्रह पढ़ रहे थे, तो तर्क संग्रह में हमने द्रव्य के बारे में जान लिया था। अब हम गुण के बारे में जान रहे हैं। गुण में भी हमने रूप रस गंध स्पर्श सबको समझ लिया था। अब संख्या पर आते हैं तो कहते हैं एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। एक आदि जो व्यवहार करते हैं कि यह एक है या दो है या तीन है, तो इस एकत्व आदि के व्यवहार के लिए जो शब्द उपयोग में लेते हैं हम, वो संख्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक राम है, दो राम है, तीन राम है, या हम कहें कि एक ईंट है, दो ईंट है, तीन ईंट है, कहें फिर कहें कि भाई एक किलो चावल, दो किलो चावल, तीन किलो चावल, या और भी संख्या जो जिस रूप में हम कहना चाहें 500 लोग वहाँ थे। तो ये जो संख्या है यह व्यवहार के लिए है, एकत्व आदि व्यवहार के लिए है। एकत्व आदि, आदि से यहाँ दो तीन चार पाँच सब लिए जाते हैं, तो यह इसके व्यवहार के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं। नव द्रव्य व्यतिरेकत्वादि पराध पर्यंता, नव के नौ द्रव्य में यह रहता है। आपको याद है पृथ्वी जल है ना, पृथ्वी द्रव्य नौ प्रकार के हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आत्मा मन काल और दिशा। तो इस तरह से जो द्रव्य हैं उन नौ के नौ द्रव्यों में ये संख्या रहती है। जैसे पृथ्वी एक है, जल एक है, वायु एक है, आकाश एक है, जलवायु आकाश, आत्मा एक है, मन एक है, और दिशा एक है, ये बताया था ना, दिशा एक है, लेकिन काल एक है। लेकिन जैसे हर जीव का मन अलग अलग है, तो जीव जो है एक मन एक भी होता है और मन कई भी होते हैं, कई जीव होंगे तो कई मन हो जाएगा। तो कहते हैं नौ के नौ द्रव्यों में इसकी वृत्ति होती है। और कहाँ से कहाँ तक होती है, तो एक से प्रारंभ करके परार्ध पर्यंता, परार्ध जो सबसे बड़ी संख्या मानी गई है वहाँ तक इस संख्या की पहुँच है। यानी जब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अपन बोलते हैं तो संख्या बढ़ती चली जाती है। तो कहाँ तक जाएगी यह संख्या, तो कहते हैं परार्ध पर्यंता, परार्ध तक जाएगी यह संख्या। अभी तक हम हमारे पास जो अधिकतम गिनती है वह परार्ध की है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन अभी तक हम हमारे संस्कृत साहित्य में परार्ध को सबसे बड़ा सबसे बड़ी संख्या माना गया है। तो एक से लेकर परार्ध तक संख्या है। और एकत्वम नित्यम, एकत्व जो है यह वह नित्य है। और किसमें, तो कहते हैं एकत्वम नित्यम अनित्यम च, और यह जो है यह नित्य भी होता है अनित्य भी होता है। जो संख्या है वह नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है। नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, जो नित्य में है, जो पृथ्वी आदि चार द्रव्य हैं और आकाश है, तो इन सब में यह नित्य है। पृथ्वी एक है ना, आकाश एक है, जल एक है, इसी तरह से वायु एक है। तो जिसमें एक एक ही है उसमें नित्य है। और कार्य रूप में जो है वह अनित्य है। जैसे पृथ्वी का हिस्सा कर दीजिए, मिट्टी ले लीजिए तो वो, ढेला ले लीजिए तो वो, ईंट ले लीजिए तो वो, पत्थर ले लीजिए तो वो, सब अलग अलग है ना। तो कार्य रूप में जब वह एकत्व जाता है तो वह अनित्य हो जाता है। इसको थोड़ा सा गहराई से समझें कि जैसे पृथ्वी को क्या कहा कि परमाणु रूप में वह एक है,
यदि आपको याद हो। तो यदि परमाणु रूप में एक है, पृथ्वी परमाणु रूप में नित्य है, तो एक भी नित्य हुआ, और पृथ्वी कार्य रूप में अनित्य है तो वह एक भी अनित्य होगा। क्यों? जैसे पृथ्वी पर ही पहाड़ हैं, पहाड़ पर फिर पत्थर गए, तो एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर हैं तो सब पृथ्वी ही, लेकिन कार्य रूप में है अब, तो इसलिए परमाणु रूप में न होकर कार्य रूप में है, इसलिए वह अनेक है। पृथ्वी अनेक है, इसलिए यह एक संख्या भी, एकत्व संख्या भी अनेक है। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। और द्वित्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव, लेकिन दो आदि जो हैं वे सर्वत्र अनित्य ही हैं। दो आदि सर्वत्र अनित्य क्यों हैं? दो वास्तव में है क्या? दो वास्तव में एक और एक मिलकर दो हैं, दो का अपना अलग अस्तित्व नहीं है। तो क्या हो गया वो अनित्य? किस लिए हो गया कि मान लीजिए आपको मैंने दो लड्डू दिए, तो दो लड्डू दिए तो एक लड्डू और एक लड्डू दो लड्डू हो गए, तो इसलिए हम उसको दो न कह के कह सकते हैं एक एक, तीन को तीन न कह के कह सकते हैं एक एक एक, चार को चार न कह के कह सकते हैं एक 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 एक। तो यानी कि उसमें नित्यता नहीं है। नित्यता तो वह है जब बदले नहीं, एक को हम नहीं बदल सकते, तो एक तो एक ही रहेगा। इसलिए कहा कि द्वित्वादिक तो सर्वत्र अनित्य ही है, और एक जो है वह नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य कहाँ है? तो नित्य यदि परमाणु रूप में पृथ्वी है मान लो, या वायु है, या आकाश है, जो भी है सब एक है, वो बदलेंगे नहीं। लेकिन अनित्य रूप में जो पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी का घड़ा बनाया, एक घड़ा, दो घड़ा, तीन घड़ा, चार घड़ा, तो अब एक एक नहीं रहा ना, वो दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो इस तरह से उसका जो उसकी संख्या जो है वह बदल जाती है। जब वह एक पृथ्वी के रूप में परमाणु रूप में था तब एक नित्य था, और वही जब कार्य रूप में बदल गया तो वह एक नित्य नहीं रहा, वह अनित्य हो गया। क्योंकि पृथ्वी भी अनित्य हो गई तो उसमें रहने वाला एक भी अनित्य हो गया। जैसे एक घड़े की पृथ्वी, एक घड़े की, एक पहाड़ की पृथ्वी, एक पत्थर की पृथ्वी, तो एक तो रहा, लेकिन अब वो जिस तरह से पृथ्वी अलग अलग होती चली गई, वो इसी तरह से एक भी अलग अलग होता चला गया। तो यह है इसका वास्तविक अर्थ कि एक नित्य भी होगा और अनित्य भी होगा, और दो तो सर्वत्र, दो तीन चार सर्वत्र अनित्य ही हैं। क्यों? दो मतलब है एक एक, तो वह अनित्य हो गया ना, दो बदल गया, जो बदल जाए वह अनित्य है, इसका स्वरूप परिवर्तन हो जाए वह अनित्य है, इसका स्वरूप परिवर्तन ना हो वह नित्य है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आगे कहते हैं मान व्यवहार कारणम परिमाणम नव द्रव्य वृत्ति। मान आदि यानी नाप तौल के लिए, मान नाप तौल के व्यवहार का जो कारण है, असाधारण कारण परिमाण, वो है परिमाण। जैसे नाप तौल करते हैं ना, एक किलो चावल दे दीजिए या एक मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो ये नाप तौल हो गया, कपड़ा नाप हो गया और चावल तौल हो गया। तो जो नाप तौल करते हैं उसको कहने वाला, जो जानने वाला जो कारण है, जैसे मैं चावल लेकर आ गया या धान गेहूं लेकर आ गया और घर में पूछा कि कितना है, तो मैं यदि नहीं जानता हूं कि यह किलो में नापा जाता है या सेर में नापा जाता है, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत होगी। क्या कहेंगे कि बस मैं लेकर आ गया, तो गेहूं लेकर आ गया, तो पूछेंगे तो सही कि कितने किलो लाए, 5 किलो लाए, 10 किलो लाए, 20 किलो लाए। तो मैं यदि उस किलो को, तोल को नहीं जानता हूं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यदि मैं जानता हूं तो मैं कह पाऊंगा कि 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, इस तरह से। तो नाप तोल का जो कारण है वह परिमाण कहलाता है, और 9 के 9 द्रव्य में वह रहता है। पृथ्वी का भी अपना एक परिमाण है, हम सब जानते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी के व्यास के बारे में बताया गया है,
पृथ्वी के वजन के बारे में बताया गया है, ये सब चीज़ें हैं। तो मान व्यवहार इसमें लागू है, किस पे? पृथ्वी पे। उसी तरह से जल पर, वायु पर, सब पर उस ये मान व्यवहार लागू है। तो इसीलिए कहा कि नव द्रव्य वृत्ति, नौ के नौ द्रव्य में है। आकाश के बारे में कह सकते हैं उसका नाप तोल तो नहीं हो सकता, तो उसका नाप तोल नहीं हो सकता तो लंबाई चौड़ाई में उसको अनंत कह देते हैं, वह अनंत है, यही उसका परिमाण हो गया, वह अनंत है, उसको नहीं नापा जा सकता। नव द्रव्य वृत्ति तो नौ के नौ द्रव्य में है। तत्चतुर्विधम, वह चार प्रकार का परिमाण होता है। कौन कौन सा? अणु, महद, दीर्घम, ह्रस्वम च। अणु होता है, महद होता है, दीर्घ होता है और ह्रस्व होता है। ये चार प्रकार के परिमाण होते हैं। तो कहते पृथक व्यवहार कारण पृथकत्वम सर्व द्रव्य वृत्ति। पृथक व्यवहार का जो कारण होता है वह पृथकत्व कहलाता है, वह सभी द्रव्यों में रहता है। भिन्न कहे जाने का असाधारण कारण भेद जो है पृथकत्व है, वह सभी पदार्थों में रहता है। जैसे मान लो पृथ्वी का उदाहरण लें तो पृथ्वी जो है वह पृथ्वी का घड़ा मान लो, तो एक घड़ा दूसरे घड़े से पृथक है। तो ये जो पृथक तो गुण है वह सब में ही रहता है, सभी द्रव्यों में। जल है तो जल जो है मान लो सुराही का जो जल है वह लोटे के जल से अलग है, उसी तरह से जो कूलर और फ्रिज का जल है वह नदी के जल से अलग है। तो यह पृथक्त्व भाव जो इसमें है, अलग अलग होने का भाव, उसी को पृथक्त्व कहते हैं। तो यह पृथक्त्व सभी द्रव्यों में रहता है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं इसमें नहीं है। पृथ्वी में भी है, जल में भी है, आकाश में भी, वायु में भी है, तो सब में। आप कहेंगे आकाश में कौन सा पृथक्त्व है? तो आकाश में पृथक्त्व ये है कि मैं जो आकाश देख पा रहा हूँ, अमेरिका में बैठा व्यक्ति वह आकाश नहीं देख पा रहा है, उसका आकाश दूसरा है, यही उसका पृथक्त्व है। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्व द्रव्य वृत्ति। सभी चीज़ों में जो जुड़ने का भाव, जुड़ने का जो व्यवहार होता है, उसका जो कारण है उसको संयोग कहते हैं। सर्व द्रव्य वृत्ति और सभी द्रव्यों में वह रहता है। सब द्रव्य जुड़ते हैं एक दूसरे से और यह जो है इसी को संयोग कहते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी है तो पृथ्वी में मान लो कि घड़ा घड़ा है, ये टूट गया तो फिर जुड़ सकता है कि? हाँ, जुड़ सकता है, नया बना लेगा कुम्हार, तो उसी तरह से वो जो एक भी मिट्टी को नया जोड़कर बना लेगा कुम्हार। और क्या वही चीज़ जो टूटी है वो फिर से जुड़ सकती है? जुड़ सकती है, उसकी मेहनत ज़्यादा होगी, जुड़ेगी तो वह भी जुड़ भी सकती है, जुड़ने का स्वभाव होता है उसमें। आजकल करते हैं ना, जो जैसे मटके में छेद हो गया तो उसमें कुछ पॉलिश वॉलिश लगाकर उसको रोक लेते हैं, तो यह जुड़ना हो गया। तो जैसा पृथक्त्व है वैसा ही संयुक्त है, संयोग है। इसके बाद कहते हैं परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वापरत्वे। पर मतलब दूर और अपर मतलब निकट, कहने और जानने का जो असाधारण कारण है, दूर कहने का या नज़दीक कहने का जो असाधारण कारण है वह परत्व और अपरत्व जो है यह कहलाता है। कहते हैं ना कि यह बहुत परे है, इन सबसे परे है, मतलब दूर है। और अपर कहते हैं जो हमारे पास है। तो पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, पृथ्वी आदि चारों में और मन में रहने वाला है परत्व। पृथ्वी में भी रहता है और मन में भी रहता है। ते द्विविधे दिक्कृते कालक कृते च, वे दो प्रकार के होते हैं।
दिशा संबंधी और काल संबंधी, समय संबंधी परत्व और अपरत्व दो प्रकार के होते हैं। दूर दूर होना और नज़दीक होना दो प्रकार का है। क्या? तो दिशा संबंधी और समय संबंधी। दिशा संबंधी क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ कि मेरा भाई जो है अमेरिका में है, तो यह दिशा संबंधी परत्व हुआ। और यह कहूँ कि मेरे दादाजी आज से 100 वर्ष पहले हुए, तो यह काल संबंधी परत्व है। और इसी को पलट दो, मेरा भाई तो जैसे ये नापासर ही रहता है या नौखा रहता है, तो यह अपरत्व हो गया, पास में होना दिशा संबंधी। और काल संबंधी कि ये तो अभी पिछले साल तो मेरे पास ही था ये पढ़ाना, तो ये पिछला साल जो है इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा समय नहीं बीता है, तो इसे अपरत्व हो गया। परत्व मतलब दूर होना, अपरत्व मतलब नज़दीक होना, यह ध्यान में रखिए। तो समय संबंधी भी दूरी होगी, दादाजी मेरे समय संबंधी दूरी वाले होंगे, मेरा भाई समय संबंधी नज़दीकी वाला होगा, फिर अमेरिका में बैठा व्यक्ति दिशा संबंधी दूरी हुई, और यहाँ पास के नोखा या नापासर में बैठा हुआ व्यक्ति दिशा संबंधी अपर हुआ, नज़दीक हुआ। इसी को समझने की बात है। कनिष्ठ काले कृतम अपरत्वम, ज्येष्ठ काले कृतम परत्वम और कनिष्ठ काले कृतम अपरत्वम, वही बात कही है जो मैंने अभी आपको बताई। इसके बाद कहते हैं कि परत्व अपरत्व के बाद कहते हैं आद्य पतना समवायि कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलप्रति, जो गिरने वाले द्रव्य में रहकर द्रव्य के प्रथम गिरने का हेतु होता है वह गुरुत्व पृथ्वी और जल में रहता है। जो गिरने वाले द्रव्य में है, मान लीजिए आपके हाथ में एक पत्थर है और आप छत पर खड़े हैं, तो और आपके हाथ से पत्थर गिरकर जमीन पर, नीचे जमीन पर चला जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं, कहीं किसी को लग ना गया हो या आप उसको अभी छोड़ना नहीं चाहते थे उस पत्थर को, तो ये सब बातें आपके दिमाग में आती हैं। तो यहाँ पर कहा कि जो गिरने वाले द्रव्य में रहता है, तो ये जो गिरना हुआ उस पत्थर का, तो उस पत्थर का गिरना किससे हुआ, गुरुत्व से, उसके भारीपन से। तो यह जो उसका भारीपन है, गुरुत्व है, वह उसी द्रव्य में ही रहता है, उसी द्रव्य में रहता है। और द्रव्य के गिरने का, प्रथम गिरने का हेतु होता है। प्रथम गिरना क्या होता है, प्रथम गिरना मतलब जहाँ से वो गिरना शुरू हुआ उसको कहते हैं प्रथम गिरना। तो यह प्रथम गिरना का समवायी कारण है, निमूल कारण है, आद्य पतना समवायी कारण प्रथम गिरने का हेतु होता है, उसको इसको गुरुत्व कहते हैं। ये पृथ्वी में होता है, जल में होता है, दो जगह होता है। आपने देखा होगा कि जो आप खड़े हैं कहीं पर पेड़ के नीचे, और फल जो गिरता है, तो फल गिरता है तो वह नीचे की ओर ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी में गुरुत्व है। तो वह जो गिरने का, वो जो फल के गिरने का असमवायी कारण है, यानी दूसरा सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण क्या है, पहला कारण तो वो फल ही है, फल नहीं हो तो गिरे क्या, कोई भी चीज़ कब गिरती है, जब वो चीज़ है, तो वो तो समवायी कारण हो गया। और असमवायी कारण हुआ जो उसके गिरने का, पहले गिरने का प्रधान कारण है, तो वह प्रथम कारण है, वह जो असमवायी कारण है उसी को गुरुत्व कहते हैं। और उस गुरुत्व के कारण ही चीज़ें नीचे की ओर गिरती हैं। तो यह जो गुरुत्व है, यह गुरुत्व पृथ्वी में है और यह गुरुत्व जल में है। स्यंदना समवायि कारणम द्रवत्वम पृथ्वी व्यप्तेजो वृत्ति तद्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च, सांसिद्धिकम जले नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, पृथिव्याम घृतादवग्नि संयोगजन्यम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादौ। कहते हैं स्यंदन बहने का जो प्रथम, बहते ना पानी बहता है, लावा देखा होगा, वो लावा बहने लगता है, जैसे
जो भी शराब है उसको बहाते हैं लोग, पानी की तरह कहते हैं शराब बहाया, तो बहने का जो असमवायु कारण है, प्रथम बहने का जो असमवायु कारण है, यानी जिसके कारण से द्रव बहना होकर शुरू करता है, उसी को द्रवत्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? द्रवत्व। और वह द्रवत्व पृथ्वी, तेज, इन सब को ढक के, और अब पृथ्वी नहीं, द्रवत्व पृथ्वी, जल और तेज में वह होता है। किस में होता है? पृथ्वी, जल और तेज में वह द्रव होता है। तद द्विविधम, वह दो प्रकार का होता है। सांसिद्धिकम, सांसिद्धिकम मतलब एकदम बिल्कुल सिद्ध है वो, मतलब उसको अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्वतः ही बहता है। और नैमित्तिकम च, और उसमें कोई निमित्त डालना पड़ता है, कोई कारण डालना पड़ता है, तब जाके वह बहना शुरू करता है। तो सांसिद्धिकम जल, जो एकदम बिल्कुल स्वयं सिद्ध है, सांसिद्धिक है, वह जल है। जैसे जल को बहाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जल अपने आप बहता है, इसलिए उसमें द्रवत्व है। और नैमित्तिकम जो है पृथ्वी, तेजसो पृथिव्याम, जो नैमित्तिक द्रवत्व है वह पृथ्वी और तेज में, यानी कि गर्म अग्नि में रहता है। कौन सा? तो नैमित्तिक, पृथिव्याम घृता दाव अग्नि संयोग जन्यम द्रवत्वम। पृथ्वी में जैसे घृत और अग्नि का संयोग जो होता है जन्यम, वह द्रवत्वम। अग्नि और घी का जब संयोग होता है तो घी भी द्रव के रूप में बहने लगता है। और तेजसी सुवर्णादो, और तेजसी, तेज जो है वह सोना आदि जो है उसमें भी द्रवत्व रहता है, क्योंकि बहुत ही ऊंचे तापमान पर उनको लगाया जाए तो वे भी पानी की तरह बहने लगते हैं। तो उनमें निमित्त तो हुआ, निमित्त क्या हुआ? गर्मी, गर्मी जब तेज उनमें डाला गया तो वो पिघल गए। और अग्नि संयोग जो है वह भी क्या है? निमित्तक, निमित्तिक है, क्योंकि उसमें भी जो घी है, घी, घी के वैसे तो घी जो है वह आपने देखा होगा कि घी कई बार ठोस रूप में भी होता है, बहुत ठोस तो नहीं होता, लेकिन उसको जब गर्म करते हैं तब वह घी बहने लगता है, तो उसमें द्रवत्व आ जाता है। तो यह जो द्रवत्व है यह जल में तो सांसिद्धिक है, जल तो स्वतः ही बहता है, और घी और सोना आदि क्या है उसमें जो द्रवत्व है वह नैमित्तिक है, यानी उसमें अग्नि का संयोग चाहिए, तब कहीं जाकर वह द्रवत्व में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज गुण, कुछ गुणों की चर्चा की, अशेष गुणों की चर्चा हम आगे करेंगे।